हेलो गाइस, आप लोग का आज की फिर एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ 9 इंची की दीवार से 4 इंची दाढ़ा कैसे छोड़ना है, इसके बारे में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को देखिए और मैं आपको अच्छे दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको मेरे पीछे देख रहे हैं, दाढ़ा छोड़ने का सही तरीका मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे से दीवार आ रहा है 4 इंची का। तो इस तरह से आपको खड्डा नहीं छोड़ना है। जैसे नीचे आप दाढ़ा छोड़ा हुआ है, इसमें आपको देख सकते हैं ऊपर में लगाया हूँ रद्दा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ईंट जैसे बढ़ाया हूँ। आपको इसी प्रकार से छोड़ना है अच्छे से। देख सकते हैं ये दाढ़ा मजबूत होता है और ये साथ के साथ मसाला भर जाता है, कवरिंग होता है। तो जो बाद में छोड़ते हैं वो दाढ़ा थोड़ा इधर हो जाता है। तो आपको नीचे से साहुल में लेना है और इस तरह से ईंट को बढ़ा के रखना है। आप देख सकते हैं नीचे का दाढ़ा पहले कोई और छोड़ा था तो थोड़ा साइड में है, तो आपको उस तरह से नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दो जैसे कि ऊपर का चाल आएगा तो आपको सेंटर रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का चाल आएगा तो ईंट का सेंटर है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको रखते जाना है, जितना ऊँची दीवार ले जाना है। ये दाढ़ा आप इससे साहुल करते जाएंगे तो नीचे से ऊपर तक बराबर ही दाढ़ा ये बनेगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, 2-3 रद्दा लगाने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह से आपको दाढ़ा छोड़ना है 9 इंची के दीवार से 4 इंची दीवार के लिए। तो चलिए आगे वीडियो देखिए और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का किस तरह का था और ऊपर किस तरह से रखे हैं। तो चलिए मैं आगे की वीडियो में यहाँ पर आपको दिखा दूँ 9 इंची और 4 इंची का किस प्रकार से यहाँ पर रखा हूँ दाढ़ा का। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 9 इंची का और 4।